नमस्कार। आज का हमारा पाठ है विदाई संभाषण, जो लिखा है बालमुकुंद गुप्त जी ने। यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी जब हुई थी, उसी पर लेखक बालमुकुंद गुप्त ने व्यंग्य किया है। उन्हें भारत विरोधी कार्य करने के लज्जित किया गया है, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिसमें भारत में विरोध की भावना उनके प्रति जागृत हो गई थी, और वह सबसे बड़ा कारण जो था वह था बंग भंग का उन्होंने काम किया था। तो शुरू करते हैं विदाई संभाषण पाठ। लेखक यहाँ पर लॉर्ड कर्जन को कहता है कि आप भारत में स्थायी रूप से वायसराय बने रहना चाहते थे, लेकिन आपकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई और आपके शासन का अंत हो गया। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि ईश्वर इच्छा सबसे बड़ी है, और आपके दोबारा भारत आने पर भारत के लोग खुश नहीं थे और वे हमेशा आपके जाने की प्रतीक्षा किया करते थे। परंतु आज आपके जाने पर मन में करुणा जाग रही है, क्योंकि विदाई का समय जो होता है हमेशा करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी तक विदाई का एहसास करते हैं, और इसी के लिए लेखक एक उदाहरण देता है। शिव शंभु के पास दो गायें थी, दोनों आपस में लड़ती रहती थी, किंतु जब बलशाली गाय वहाँ से विदा हुई तो कमज़ोर गाय उसके बिछुड़ने पर बिना चारा खाए रहती है। और यही उदाहरण यह बताता है कि किस प्रकार जब लॉर्ड कर्जन भारत से जा रहे हैं, यानी बलशाली गाय से उसकी तुलना यहाँ पर की गई है और कमज़ोर गाय की तुलना भारत के लोगों से की गई है, तो कमज़ोर गाय जो होती है बलशाली गाय के जाने पर दुखी होती है। पशु ऐसे हैं तो वहाँ मनुष्य का विदाई कितना दुखपूर्ण होता होगा, लेखक ये बताना चाहता है। लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत जो था वह बहुत ही दुखांत था। दुखांत यानी लास्ट में सबको बहुत दुख हुआ, और साथ ही लॉर्ड कर्जन को भी बहुत दुख हुआ। उसे आरंभ से मध्य तक तो सुख मिला, परंतु अंत बहुत ही खराब है उसका। वास्तव में सारी लीला रचने वाला लीला में कोई और ही है। घमंडी खिलाड़ी व्यर्थ में ही घमंड दिखाया करते हैं। दूसरी बार जब लॉर्ड कर्जन भारत आए थे तो उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे भारत में अंग्रेजों का राज सदियों तक बना रहे, लेकिन उनकी यह करतूत जो थी उससे ऐसी अशांति आ गई कि भारत के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। अगर बात करें कि लॉर्ड कर्जन की शान बान कैसी थी, तो लॉर्ड कर्जन दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में उनकी शान सबसे अधिक थी। उनका स्थान जो था सर्वोच्च माना जाता था। उनके बैठने की जो कुर्सी थी वह सोने की बनी हुई थी, और जुलूस जब निकलता था तो उनका हाथी सबसे ऊंचा होता था। बहुत ही सजा धजा के हाथी की सवारी निकाली जाती थी, और वो बहुत ही अत्यंत राजसी शान ठाठ बाट के साथ दिल्ली में रहते थे। कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके तथा कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता का दिवाला निकाल दिया, यानी कि इससे उनकी पोल खुल गई कि वो कितने अधीर हैं। उधर विलायत में उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दे दी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। भारत में उनके इशारे पर हकीमों को नाचना पड़ता था, और उन्हीं के देश हमारे देश में देश की शिक्षा और स्वाधीनता नष्ट हो गई थी। उन्होंने ही बंगाल के विभाजन की योजना भी बनाई थी, परंतु उनके अपने ही देश में एक फौजी अफसर उनके कहने पर नियुक्त ना हो सका, और इसलिए उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारतवासी लॉर्ड कर्जन की यह दुखद दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए, और अब वह जा रहे हैं इसलिए इस अवधि को वह कैसे काट रहे होंगे ये तो वही जानते होंगे। लेखक लॉर्ड कर्जन को उनके मनमानी भरे शासन की याद यहाँ पर दिला रहा है कि किस प्रकार जब उनका शासन था तो वह आँख मूंद करके और कान बंद करके शासन करते थे। प्रजा की इच्छा से उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। नादिर शाह ने भी आसिफ जहाँ के तलवार गले में लटकाने पर उसी वक्त कत्लेआम रोक दिया था, परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी भी
तमीज नहीं थी कि वह भारत की 8 करोड़ प्रजा की फरियाद पर बंगाल का विभाजन रोक दे। यद्यपि अब उनका भारत से जाना निश्चित हो चुका था, तो भी वे जाते जाते बंग भंग की जिद पूरी करना चाहते हैं। तब भला भारत की जनता कहाँ जाकर अपना दुखड़ा रोए। भारत की प्रजा ने लॉर्ड कर्जन की मनमानी का बुरा परिणाम यही देख लिया। उनकी जिस जिद ने भारतवासियों को अत्यंत दुखी कर दिया था, उसका शिकार वह स्वयं बन गए और उन्हें भारत से लौट करके वापस अपने देश जाना पड़ा। लॉर्ड कर्जन कभी कभी इस देश की अनपढ़ जनता का नाम अपने मुंह पर लाया करते थे। यहाँ व्यंग्य है अनपढ़ जनता। वही अनपढ़ प्रजा नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की महिमा का गीत गाती है। यहाँ पर फिर से एक राजकुमार का उदाहरण लिया है जो नरवरगढ़ नाम के राज्य में रहा था और वहाँ उसने शरण ली थी। वहाँ उसने चौकीदार से लेकर के अनेक ऊंचे पदों तक अनेक कार्य किए थे। उसने विदाई जब उसकी विदाई का समय आता है तो नरवरगढ़ की जनता उससे पूरी तरह से उसका उपकार मानती है। भारत की जनता आज तक उस कृतज्ञ राजकुमार को याद करती है। लेखक कहता है, यहाँ वह लेट लॉर्ड कर्जन से पूछता है कि क्या आप भी ऐसा विदाई संभाषण कर सकते हैं जिसमें आप अपने स्वार्थ का और अपनी धूर्तता के बारे में वर्णन करें। आपने कभी भारत की भोली भाली जनता के प्रति कृतज्ञ दिखाई है? क्या तुम भारत की जनता के प्रति कभी कर्तव्य हुए हो, ओब्लाइज्ड हुए हो? क्या आप भारत के प्राचीन गौरव को जानते हो, उसे प्रकट कर सकते हो? लेखक को विश्वास है कि यदि कर्जन ने ऐसा किया तो यहाँ की जनता उसकी गलतियों को क्षमा कर देगी, क्योंकि भारतवर्ष में यह उदारता काफ़ी पाई जाती है। जब कोई विदा होता है तो उसकी गलतियों को क्षमा करने की प्रवृत्ति भारत जैसे देश में पाई जाती है। परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता नहीं है कि वह अपनी धूर्तता के बारे में बके यानी बताए। यहाँ पर पूरी तरह से लॉर्ड कर्जन पर लेखक ने व्यंग्य किया है और बंगाल के विभाजन पर उस लेखक को अत्यंत दुख है। उसी के बारे में यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के शासन की जो मनमानी थी और उसका जो भाव लेखक के मन में आ रहा है कि किस प्रकार से बिछुड़ते समय मन में वैराग्य आ जाता है, यानी कि हम उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए दुख और कष्ट, अन्याय और पाप को भूल जाते हैं जो हमसे बिछुड़ने वाला होता है, और जो व्यक्ति होता है जिससे हम बिछड़ रहे होते हैं उसके प्रति हमारे मन में पवित्र भावनाएं जाग जाती हैं, चाहे बिछुड़ने वाले व्यक्ति ने कितने भी दुष्कर्म किए हों। यही इस व्यंग्य कथा का सारांश है और आपको मैंने बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा लिखा हुआ यह पाठ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चंस हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमेशा मैं हिंदी से रिलेटेड कोई भी जानकारी भरा वीडियो इस चैनल पर हमेशा लेकर के आपके लिए आती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।